चैत्र नवरात्रों के लिए सज चुके हैं माँ के दरबार। भव्य तरीके से सजा है माँ बगलामुखी का मंदिर। श्री 1008 बगलामुखी वनखंडी मंदिर के नाम से विख्यात है ये मंदिर। दूर दूर से यहाँ पूजा हवन करवाने पहुँचते हैं लोग। माँ पीताम्बरी के नाम से भी जानी जाती हैं माँ बगलामुखी। माँ को पीला रंग बेहद प्रिय है। मंदिरों के बाहर अक्सर आपने भैरव को पहरा देते हुए मंदिर परिसर के बाहर देखा होगा, लेकिन अगर मैं बगलामुखी मंदिर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बाहर जो है भैरव बाबा माँ बगलामुखी के इस मंदिर के बाहर पहरा देते हैं। कहा जाता है कि स्वयं महाकाल भैरव के रूप में इस मंदिर के बाहर यहाँ पर पहरा देते हैं। और जिस तरीके से बगलामुखी मंदिर को कहा जाता है कि बगलामुखी शत्रुओं पर विजय की देवी है, यहाँ पर लोग हवन पूजन करवाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद यहाँ पर हवन पूजन करवाते हैं और हवन पूजन करवाकर ही यहाँ पर माता बगलामुखी से प्रार्थना करते हैं, अच्छी कामना करते हैं। और जिस तरीके से बगलामुखी को वाक की देवी भी कहा जाता है, तो चाहे कोर्ट कचहरी के मसले हो या फिर शत्रु पर विजय की बात हो, बगलामुखी सभी लोगों की इन मसलों को लेकर यहाँ पर देवी बगलामुखी से ये प्रार्थना जो है यहाँ पर श्रद्धालु बगलामुखी से करते हैं। हिमाचल प्रदेश देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। कांगड़ा जनपद के कोटला कस्बे में स्थित माँ श्री बगलामुखी का सिद्ध शक्ति पीठ है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु मन्नत मांगने और मनोरथ पूर्ण होने पर आते जाते रहते हैं। माँ बगलामुखी का मंदिर ज्वालामुखी से 22 किलोमीटर दूर वनखंडी नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर का नाम श्री 1008 बगलामुखी वनखंडी मंदिर है। सिद्धपीठ बगलामुखी का प्राचीन मंदिर कांगड़ा के वनखंडी नामक स्थान पर स्थित है। पांडव काल में बना ये मंदिर बेहद प्राचीन है। इस मंदिर में माँ का पूजन और हवन करवाने दूर दूर से लोग आते हैं। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ हल्दी के जल से उत्पन्न हुई थी, तभी उन्हें पीला रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए भक्त उन्हें पीताम्बरी भी कहते हैं। माँ के मंदिर में सभी दीवारों को पीले रंग से रंगा गया है। वहीं माँ को पीला रंग अति प्रिय होने के कारण मंदिर में माँ को प्रसाद, चढ़ावा और मोली भी पीले रंग की ही चढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि भक्त भी पीले रंग के कपड़े पहनकर यहाँ आते हैं। कांगड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर बनखंडी में माँ बगलामुखी का मंदिर है। बगलामुखी जिन्हें 10 महाविद्याओं में से 8वीं विद्या की देवी कहा जाता है, ये मंदिर यहाँ पर बगलामुखी का बनखंडी में है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो है माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। इस मंदिर में माना जाता है कि माँ बगलामुखी से जो भी मनोकामनाएँ श्रद्धालु करते हैं वो अवश्य पूरी होती है। माँ को शत्रु विजय की देवी, वाद विवाद के मसलों को सुलझाने वाली माता और वाक की देवी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पीला रंग इनका पसंदीदा रंग बताया जाता है। कहा जाता है कि इसीलिए भक्त जो है यहाँ पर पीले रंग का प्रसाद चढ़ाते हैं, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है उनका पसंदीदा रंग पीला रंग है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है इसके परिसर में सारे भवन जो है उन्हें पीले रंग से बनाया गया है। भवन की दीवारों पर पीला रंग किया गया है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग का ही प्रसाद मंदिर में चढ़ाते हैं। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, जिन्हें कोर्ट कचहरी के मसले सुलझाने वाली, शत्रु पर विजय दिलवाने की देवी, वाक की देवी के नाम से भी जाना जाता है।
बगलामुखी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। मंदिर के पुजारी आचार्य बिपिन ने बताया कि मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इस कलयुग में मां बगलामुखी जागृत देवी हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करती हैं। माना जाता है कि यहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं में मां को लेकर गहरी आस्था है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां से उनकी मुरादें पूरी हुई हैं, जिसके चलते वे अब इस मंदिर में आते रहते हैं। पंडित जी, अगर बगलामुखी मंदिर की बात की जाए, बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, क्या कुछ इसकी मान्यताएं हैं, क्या इतिहास इस मंदिर का है? सबसे पहले तो मंदिर में आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। बगलामुखी देवी जो हैं, पहले तो मैं आपको ये परिचय कराऊँ आपके चैनल के माध्यम से कि बगलामुखी का ये जो मूल स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील देहरा बनखंडी नाम गांव में स्थित है। बगलामुखी देवी जो हैं वो 10 महाविद्याओं में से एक विद्या हैं। सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो महाकाली के 10 अवतार हुए, उनको 10 महाविद्या बोलते हैं। उन 10 महाविद्याओं में बगलामुखी का 8वां स्थान है और ये तंत्र की देवी हैं। इनको पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है, इनको गुप्त विद्या भी बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या भी बोला जाता है। विशेषकर बगलामुखी देवी जो हैं शत्रुनाशिनी देवी हैं। शत्रु सिर्फ इंसान को ही शत्रु नहीं मान सकते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बीमारी, मतलब जीवन में जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो आपका शत्रु है। तो माँ बगलामुखी की प्रार्थना से आपके सर्व शत्रुओं का नाश होता है। एकाग्रता की देवी भी इन्हें कहा जाता है, किस तरीके की मान्यता इनसे लेकर जुड़ी हुई है? क्योंकि लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं बगलामुखी के दर्शन के लिए। देखिए, कलयुग में देवताओं का ना अपना अपना एक समय एक काल होता है, तो कलयुग में बगलामुखी देवी जो हैं वो जागृत अवस्था में हैं और कलयुग में इनको विशेष वरदान प्राप्त है कि ये शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। इनका आप छोटा सा भी कोई जप पूजन ध्यान करें तो बगलामुखी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को उनके फल प्रदान करती है। जी, नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों में बगलामुखी का क्या विशेष महत्व रहता है? किस तरीके से नवरात्रों के किस दिन पर इनकी पूजा की जाती है और किस तरह क्या विशेष महत्व जो है भक्तों के लिए इनका रहेगा? जी देखिए, नवरात्र एक ऐसे दिवस हैं हमारे सनातन धर्म में। नवरात्रों में किसी भी देवी का पूजन, देवियाँ जो हैं जागृत अवस्था में हो जाती हैं। नवरात्र जो हैं विशेष दिवस हैं किसी भी देवी को, बगलामुखी नहीं तो किसी भी देवी का मंदिर हो तो नवरात्रों की जो पूजा अर्चना होता है वो शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करता है। जी जी, अभी कई सारे लोग जो है यहाँ पर बगलामुखी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है बताया जाता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है, कब से इसकी यहाँ पर पूजा अर्चना करना शुरू हुई थी? जी देखिए, बगलामुखी देवी जो है, मैंने आपको शुरू में ये समझाया था कि इनको गुप्त विद्या के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त विद्या का अर्थ ये है कि बगलामुखी जो तंत्र की देवी हैं, इनके बारे में ना वेदों पुराणों में बहुत कम लिखा गया है। कम इसलिए लिखा गया कि जो बहुत विद्वान लोग थे प्राचीन काल में, उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र विद्या अपने लिए रखी थी, तो इनका उजागर बहुत कम हुआ है। मेरे शोध के अनुसार और दंत कथाओं के अनुसार और पुराण वेद का अध्ययन करने के बाद, ये जो मंदिर है बगलामुखी का मूल स्थान, ये भगवान राम ने मूर्ति की स्थापना करवाई थी रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले। कालांतर में क्या है, द्वापर में पांडव भी यहाँ आए हैं, इसका भी वर्णन मिलता है। और ये मंदिर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत प्राचीन है और वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है बाहर का, ये कम से कम 2000 साल पुराना है। मैं सुमिता गौतम, नवांशहर, पंजाब से। मैं साल में कम से कम 2 बार तो बगलामुखी माता के दर्शन के लिए आ जाती हूँ। मेरी बहुत 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 ज़्यादा विश्वास माँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माँ ने मेरे कुछ ऐसे काम जो मुझे लगता था कि बिल्कुल अटके हुए हैं, वो माँ की कृपा से पूरे हुए, इसलिए मेरा विश्वास माँ पे बहुत ज़्यादा अटूट है। और मैं माँ को हमेशा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस लेवल पे पहुँचाया जहाँ हम पहुँचने की आस नहीं रखते थे, वहाँ भी पहुँचे माँ के आशीर्वाद से।
एक्सपीरियंस की कि मैंने जो चाहा था मुझे या मेरी फ्रेंड के थ्रू प्रसाद मिला था, मेरी एक मन्नत थी, प्रसाद से ही पूरी हुई। और उसका प्रभाव यह कि मैं साल से मैं दूसरी बार आई हूँ, नवंबर में भी आई थी, माता रानी ने दोबारा बुलाया है, दोबारा आई हूँ, और यहाँ से जो भी मांगो मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी टाइम हो गया, बट 6 महीने बाद इस बार हम आए हैं, क्योंकि इस बार हम लेट हो गए, क्योंकि हमें घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। बट यहाँ पे आके हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग जो सोचते हैं कि माँ बंगलामुखी हमारी वो मनोकामना पूरी करती है, तो हमें यहाँ पे आना भी अच्छा लगता है, और इस वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। कितने सालों से आप आ रहे हैं और कहाँ से आप आए हैं? हम लोग लुधियाना से आए हैं, हमें आते हुए काफ़ी टाइम हो गया। कितना विश्वास यहाँ को लेकर है, कहा जाता है कि मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, जो भी मांगा जाए पता वो जरूर पूरा होता है। आपका एक्सपीरियंस मैम? हम तो यहाँ पे आके जो अरदास लगाते हैं हमारी पूरी होती है, इसलिए हमें तो पूरा विश्वास है कि यहाँ पे आके जो भी कोई अपनी मनोकामना जो मांगता है उसको वो मिलता है, क्योंकि माँ बंगलामुखी देने वाली है। और उन पे लोगों का अथाह विश्वास है, पहले लोगों को इस बारे में नहीं पता था, अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है तो लोग की आगे से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, क्योंकि लोगों को अब ज़्यादा पता लगने लगा। नहीं तो लोग पहले चिंतपूर्णी चमंडा जी इधर जाते थे, अब लोग इधर आना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। नाम तमन्ना है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यहाँ एम ए कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में, और मेरे घर कोटला में है शाहपुर के पास। हाँ जी, और यहाँ मैं आया फोर्थ बार आई हूँ यहाँ पे। और मतलब बंगलामुखी का मेरा एक्सपीरियंस, मैं कोटला में एक मंदिर है बंगलामुखी का, वहाँ पे मैं एक बार कुछ मांगा था और मतलब मेरे को मिल गया वो, और उसके बाद मतलब मैं हाँ बंगलामुखी में जब भी मतलब यहीं से गुजरती तो मैं आती हूँ यहाँ पे। मैं गीता चौहान जलंधर से हूँ, और मेरी बेटी की ना मैरिज नहीं हुई थी, तब मेरे छोटा ब्रदर इन लॉ है वो इसको इधर लेके आया कि मत्था टिकाने के लिए, तो एक हफ्ते में उसकी रिंग सेरेमनी हो गई थी। तो इतना विश्वास है कि हमारा सारा बिजनेस ही सब कुछ हमें उन्हीं से मिला है। हाँ, वो मेरी पूरी फैमिली सब ससुराल वाले इन लॉज वाले सब बहुत करते हैं, इनके विश्वास बहुत है। मेरा नाम करण चौहान है, मैं जलंधर से आया हूँ, और मैं अपने बेटे को फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ माता रानी के दर्शन करवाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। विश्वास का बताऊँ तो मेरा बिजनेस जो है वो इनके नाम के है, SBM के नाम से मेरा बिजनेस चलता है, और एक नहीं 3 चल रहे हैं, तो यहीं से पता चल जाता है कि क्या मानता और क्या विश्वास होगा इनके। और ये भी इनसे मिला मुझे, वो भी उनसे ही मिली है। सब कुछ है, इनके बिना कुछ भी नहीं है, ये है तो संसार है, ये नहीं है तो संसार ही नहीं है। असी बंगलामुखी आते रहने, जो भी कोई मनोकामना पूरी होंगी असी मत्था जरूर टेकन आते हैं, तो महीने 2 महीने बाद असी इतने मत्था टेकन आते हैं। मेरे को कम से कम 10 साल हो गए। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है, और बेसिकली मैं शिमला से हूँ, बट यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, फिर यहीं हॉस्टल है हमारा, हॉस्टल का रूम है, फिर यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं बगलामुखी माता के पास, हम अक्सर आते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा मंदिर है, ऐसे काफ़ी सुना था इसका नाम, फिर इस करके जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तब भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और हर बार ही काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ, लगता है मंदिर वाली फीलिंग आती है कि मतलब है, थोड़ा पीस भी है और काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है। नहीं ऐसा तो कुछ खास अभी तक मैंने मांगा नहीं है कुछ, बट मैं ऐसे ही आ जाता हूँ यहाँ पे ऐसे शांति के लिए, मतलब थोड़ा पीस वाली और अच्छे फीलिंग आते हैं, बाहर के ट्रैफिक से तो बेटर है यहाँ पे, इतना है नहीं शोर और अच्छा है। बगुले की तरह अपने एकाग्र ध्यान के कारण इस देवी का नाम बगुलामुखी पड़ा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने वाली बगलामुखी देवी की न सिर्फ रावण ने आराधना की थी, उपासना की थी और तीनों लोकों में विजय प्राप्त की थी, बल्कि ये बताया जाता है कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय से पहले भगवती के इस रूप की उपासना की थी ताकि वो लंका पर विजय प्राप्त कर सके। आज भी लोग जो है यहाँ पर दूर दूर से बगलामुखी माँ के दर्शन के लिए आते हैं और माँ से अपनी मनोकामनाओं को लेकर इच्छा अपनी कामनाएं करते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा।